अच्छा डॉक्टर साहब, फिर एक सामान्य ज्ञान जो कहना चाहिए इस समय कोरोना काल में, हम सब लोगों को ये पता है कि हमें भाप लेना चाहिए, स्टीम इनहेलेशन लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। वो स्टीम इनहेलेशन करने का सही तरीका क्या है और कितनी बार करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, स्टीम जो है वो लेना है हमको। स्टीम से वायरस नहीं मरेगा। स्टीम से मेन फायदा जो है कि थोड़ा सा जो गले में और नाक की जो म्यूकोसा है वहाँ मॉइस्टनेस रहेगी, नमी रहेगी, तो जो ड्राइनेस की वजह से इरिटेशन हो रहा है वो थोड़ा कम हो जाएगा, हमें उसका कुछ सूदिंग इफेक्ट रहेगा। तो 2 मिनट से 2.5 मिनट एक बार में करें, दिन में 3 से 5 बार कर सकते हैं, पर आपको सिर्फ एम ये है कि उससे मॉइस्टनेस रहे, नमी रहे, जिससे कि आपको रूखापन या खराश जैसी चीज ना हो, और इससे आपको सूदिंग इफेक्ट मिलेगा, हल्का फुल्का जो हेडेक होता है उसमें भी राहत मिलेगी। तो 2 मिनट से 2.5 मिनट एक बार में करें। बहुत ज्यादा उसको ये नहीं सोचे कि हम गर्मी से इतना जला दें कि वायरस मर जाएगा। तो आपके म्यूकोसा को अंदर, जो नाक के अंदर जो सॉफ्ट डेलिकेट म्यूकोसा होती है, उसमें नुकसान पहुंच सकता है। तो 2 से 2.5 मिनट का करें, और थोड़ा डिस्टेंस इतना रखें कि गर्मी अंदर जलाए ना, खाली नमी आपको लेनी है।